हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स टेंसेस को कई बार पढ़ चुके हैं पर अभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाती है, वहां जाके समझ में नहीं आता। अगर आपके पास कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की कुछ प्रिपरेशन के लिए बुक्स हैं तो उसके पीछे वाले क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल्स मैं आज आपको पढ़ाऊंगा टेंसेस के, उनको अच्छे से लर्न कर लेना। और आज की क्लास अगर आपने अच्छे से याद कर ली तो टेंसेस रिलेटेड हर क्वेश्चन आप बड़े आराम से चुटकियों में कर देंगे, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम्स में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं टेंसेस के गोल्डन रूल्स। तो पहला गोल्डन रूल है कि जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब ऐसी एडवर्ब्स जो कि समय को बताती हैं, उनके साथ में अलग अलग टेंसेज आते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले डिटेल में बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले हम ऐसे एडवर्ब्स की बात कर रहे हैं जो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही आते हैं। प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे ऑलवेज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में ऑलवेज शब्द आया है तो उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, ऐसा आपको याद होना चाहिए, तो आप बड़े आराम से पहचान लेंगे। अब अगर ऑलवेज आया है और उसके साथ प्रेजेंट सिंपल नहीं दिया और पास्ट सिंपल दे दिया तो उसे गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज के अलावा और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे ऑफन यानी अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, जनरली यूजुअली, हैबिचुअली ओकेजनली, रेयरली सेल्डम, नेवर हार्डली, स्केयर्सली, डेली एवरीडे एवरी नाइट, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, एनुअली। इन सभी शब्दों के साथ में इस बात को रट लो कि सिर्फ प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, आई एम टेकिंग बाथ एवरी डे। अब इसकी हिंदी देखें तो ठीक ही लगती है कि मैं हर रोज़ नहा रहा हूँ, पर यह ग्रामर की दृष्टि से गलत है। एवरी डे के साथ में तो प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आ सकता। सही सेंटेंस होगा आई टेक बाथ एवरी डे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर गोल्डन रूल, ये भी आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रेजेंट सिंपल में ही शी इट और सिंगुलर, ही शी इट और सिंगुलर, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाना होता है। अब प्रेजेंट सिंपल के ऊपर स्पोकन इंग्लिश का मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। जिन्होंने वो पढ़ा हुआ है उन्हें तो ये बात बहुत आसान लगेगी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही शी इट और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम्स में, वो एस ई एस नहीं लगाते, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। अब ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि ई एस कब कब आएगा, एस कब आएगा और ई एस कब आएगा। तो आप ध्यान रखें, जब भी किसी वर्ब के लास्ट में एस 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 एच सी एच एक्स ओ या जेड आता है तो वहां पे ई एस आता है। जैसे नीचे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। अब पृथ्वी एकवचन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ रिवॉल्व नहीं आएगा, रिवॉल्व्स आएगा। और रिवॉल्व शब्द के अंत में ई आ रहा है, तो जब भी पीछे ई आता है तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें बस एस लगाएंगे। अगर रिवॉल्व की जगह कोई और शब्द होता जैसे पुश, तो पुश के पीछे एस एच आता है, तो जब भी एस 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 एच सी एच एक्स ओ या जेड आएगा तो उसमें ई एस लगेगा। जैसे अगर पुश हो तो उसकी जगह पुशेज हो जाएगा, ई एस लग जाएगा। तो एग्जाम्स में एरर वाले क्वेश्चन आते हैं कि इस सेंटेंस में गलती क्या है, तो बहुत बार वो सिंगुलर दे देते हैं और उसके साथ में एस ई एस नहीं लगाते वर्ब पे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
दो गोल्डन रूल हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हम देखते हैं तीसरा गोल्डन रूल। ये भी वही चीज़ है कि ये कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग शब्द दिए हुए हैं, समय को बताने वाले शब्द, जिनके साथ में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। कौन कौन से हैं? रिसेंटली, येट, अप टू नाउ, सो फार, ऑलरेडी और जस्ट। ये शब्द जब भी आएंगे तो इनके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। एग्जाम्स में आपको इन शब्दों के साथ में पास्ट सिंपल दे देंगे और आपको पहचान होनी चाहिए कि इन शब्दों के साथ पास्ट सिंपल नहीं आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई जस्ट आयरनड योर शर्ट। ये गलत है क्योंकि जस्ट के साथ इसने आयरनड दे दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, तो जस्ट के साथ तो क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। सही सेंटेंस होगा आई हैव जस्ट आयरनड योर शर्ट। अब मुझे उम्मीद है इनको आप एक जगह लिख लोगे और लिख लिख के इनको लर्न कर लोगे कि कौन कौन से प्रेजेंट सिंपल वाले हैं, कौन से पास्ट सिंपल वाले हैं। इनसे रिलेटेड एक वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, जो कि सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर है कि कौन सा एडवर्ब किसके साथ आएगा। आज का तो हमारा एक कंप्लीट टॉपिक है, सभी गोल्डन रूल इसमें कवर हो रहे हैं। और यकीन मानिए, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इससे बाहर टेंसेस में कुछ नहीं आता है। चौथा नंबर गोल्डन रूल क्या कहता है? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे कि, समय सूचक शब्द जैसे कि यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट और अगो, इनके साथ में हमेशा पास्ट सिंपल आएगा। जैसे मैंने ये न्यूज़ कल देखी थी। अब यस्टरडे के साथ यहाँ पे इसने प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया, जो कि गलत माना जाएगा। आई हैव सीन दिस न्यूज़ यस्टरडे गलत है। सही सेंटेंस होगा आई सॉ दिस न्यूज़ यस्टरडे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब भी दो काम हो रहे हैं, आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहां पे कोई दो काम हो रहे हैं, तो उसमें से जो काम पहले हो रहा है उसके साथ में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और जो काम बाद में हो रहा है उसके साथ में पास्ट सिंपल आएगा। फर्स्ट काम जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा और सेकंड काम जो होगा वो पास्ट सिंपल होगा, ठीक है? और इन दो वाक्यों को जब आपस में जोड़ेंगे तो उसको जोड़ने के लिए कौन सा कंजक्शन आता है ये भी फिक्स है, जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन और एज सून एज। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर एग्जाम में कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है जिनके अंदर ये चार कंजक्शन में से कोई एक दिया हुआ है, उस वाक्य में मान लो बिफोर दिया हुआ है, आफ्टर, व्हेन या एज सून एज, अगर ये चारों आपको कभी भी दिख जाएं, तो आप इस बात को अच्छे से याद कर लो कि ये शब्द अगर कभी भी आते हैं बीच में तो वो जो सेंटेंस है उसमें एक वाक्य पास्ट सिंपल में आएगा और दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट में आएगा। अब एग्जाम में जब देते हैं तो दोनों तरफ ही पास्ट सिंपल दे देते हैं या दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट दे देते हैं, जो कि गलत है। तो जो पहला काम होगा वो पास्ट परफेक्ट और जो दूसरा काम होगा वो पास्ट सिंपल। और आसानी से समझाता हूँ आपको। इसमें इस तरह के वाक्य बनते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन गया था पर ट्रेन जा चुकी थी। तो मैं रेलवे स्टेशन गया था, ये पास्ट सिंपल है। और जब आप गए थे उससे पहले एक काम हो चुका था। पहला काम क्या हुआ था? कि ट्रेन जा चुकी थी। मैं सिनेमा थिएटर गया था पर मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। एम्बुलेंस आई थी पर पेशेंट मर चुका था। तो जो काम पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है? जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, आई डिड माई होमवर्क व्हेन फादर केम, ऐसा कुछ आएगा एग्जाम में। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है? आपने जैसे ही ये सेंटेंस देखा, आपने देखा यहाँ पे व्हेन आया है, तो आपके दिमाग में ये बात चली कि भाई एक तरफ पास्ट परफेक्ट और एक तरफ पास्ट सिंपल, पर यहाँ तो दोनों तरफ ही पास्ट सिंपल दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या होगा? आई हैड डन होमवर्क व्हेन फादर केम।
अब अगला गोल्डन रूल हम देखेंगे सिंस और फॉर। अब आपको ध्यान रखना है सिंस और फॉर जो होता है हमेशा परफेक्ट के साथ आता है ना। अब वो चाहे परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पर ये कभी भी कंटिन्यूस के साथ नहीं आता। मतलब जैसे जो अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होते हैं ना, इनके साथ कभी नहीं आता। सिंस और फॉर आएगा आपके परफेक्ट के साथ। अब वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पर परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि इन चारों में से कौन सा आएगा, मान लो ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कि सेंस ऑफ फॉर का प्रयोग हुआ है और वर्ब की जगह खाली छोड़ी हुई है और नीचे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब अगर उन चार ऑप्शन में कोई भी परफेक्ट वाला एग्जांपल है, मान लो उसमें परफेक्ट दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप उस पर टिक लगा दो। पर अगर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों दिए हुए हैं तो आपकी पहली चॉइस होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ओके। तो यहां पे एक एग्जांपल है, शी इज टॉकिंग ऑन फोन फॉर मैनी आवर्स, वो कई घंटों से फोन पे बात कर रही है, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे फॉर का प्रयोग हुआ है तो फॉर के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए था, ये इसने अकेला कंटिन्यूस कैसे दे दिया। सही सेंटेंस क्या होगा, शी हैज बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर मैनी आवर्स। ओके, अब अगला गोल्डन रूल हम लोग देखते हैं। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं, कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्य जहां अगर शब्द का प्रयोग होता है, यदि, अगर या यदि को हम इंग्लिश में बोलते हैं इफ। तो ये जो भी इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं जिसमें अगर वाली बात होती है, तो इसमें कभी भी दोनों तरफ विल का प्रयोग नहीं हो सकता। मतलब दोनों तरफ फ्यूचर सिंपल नहीं आ सकता, एक तरफ फ्यूचर सिंपल आएगा और एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आएगा। इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ इट विल रेन आई विल नॉट गो, ये वाक्य गलत है क्योंकि यहां पे आपने दोनों तरफ विल लगा दिया। अगर बारिश आएगी मैं नहीं जाऊंगा, ये सुनने में तो ठीक लगता है पर ग्रामर की दृष्टि से गलत है। सही वाक्य होगा इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, ये इसका पार्ट वन था, बहुत जल्दी आऊंगा इसका पार्ट टू लेकर। ठीक है, गोल्डन रूल्स टोटल 15 हैं, जिसमें से 7 मैंने आपको अभी समझाए हैं और 8 मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। यदि चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद इंग्लिश लवर्स। सी यू सून।